अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर में आप सब व्यूज़ को खुश आमदीद। आज हम पेंशन पेमेंट मेथड देखते हैं पेंशन के हवाले से। तो पेंशनर को जो पेमेंट की जाती है उससे पहले जो भी मुतलका महकमा है वो एक आर्डर भेजता है। उस आर्डर की रोशनी में बैंक जो है वो पेंशनर को पेमेंट करते हैं। तो जो आर्डर होता है उस आर्डर को हम कहते हैं पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर के ज़रिए पेंशनर को बैंक पेमेंट करेगा उस आर्डर को हम कहेंगे पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। आप जानते हैं कि जब भी कोई आदमी जो है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, तो उसको एक नंबर अलाट किया जाता है जिसको नॉर्मली कहते हैं पी नंबर, पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर या इसको एम्प्लॉई नंबर भी कहा जाता है। तो जब तक वो सर्विस करता है उस वक़्त तक महकमे की तरफ से एम्प्लॉई के साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, जो भी डीलिंग होगी, जो भी उसके साथ मामलात किए जाएंगे, वो उसके पर्सनल नंबर या एम्प्लॉई नंबर के तहत होंगे। इन द सेम वे जब बंदा रिटायर हो जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसको भी एक नंबर अलाट किया जाता है जिसको हम कहते हैं पीपीओ नंबर। पेंशन पेमेंट से पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि पेंशनर के साथ जो भी मामलत किए जाएंगे जब पेंशनर रिटायर्ड होता है, तो उसका पर्सनल नंबर ख़त्म हो जाता है, उसको एक नया नंबर लाड किया जाता है जिसको हम कहते हैं पीपीओ नंबर। और पीपीओ क्या है ये मैंने आपको बता दिया है कि उसको जो भी पेमेंट की जाएगी पेंशनर को पेंशन की मद में, कम्यूटेशन डेथ ग्रेजुटी की मद में, वो इस ऑर्डर के तहत की जाएगी। महकमा क्या करेगा, रिटायर होने के बाद उसका केस प्रोसेस करेगा। केस प्रोसेस होने के बाद जब कंपिटेंट अथॉरिटी उसको प्रूव कर देगी, तो वो मुतलका बैंक को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजता है। इस वक्त जो सिस्टम है वो एक सिस्टम चल रहा है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम। इससे पहले जो है इसकी समझ आपको इससे आएगी, ये जो सिस्टम है अब ख़त्म हो गया, लेकिन इस जो नया, इसकी जगह ये नया सिस्टम आया है। इस नए सिस्टम को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पता हो। पहले क्या होता था कि जब पेंशनर रिटायर्ड हो गया तो महकमा ये पेंशन पेमेंट ऑर्डर भेजता था किसको, बैंक को। तो इस तरह तीन जो हैं पार्टीज हो जाती थी, काउंट ऑफिस, बैंक और तीसरा था पेंशनर। तो महकमा क्या करता था, रिटायरमेंट के बाद केस प्रोसेस करता है। केस प्रोसेस करने के बाद कंपिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेकर क्या करता था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक को भेज देता था। क्यों, पेमेंट के लिए, कि जी पेंशनर को पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट करने के लिए वो बैंक को यही जो है पीपीओ भेजता था। अब क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास पहुंच जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा रिटायर्ड हो गया है, इसके सारे पर्टिकुलर्स इसके ऊपर लिखे होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। अब क्या होगा, साथ ही जो अकाउंट ऑफिस है वो पेंशनर को एक बुक इशू कर देता था जिसको आप जानते हैं पेंशन बुक। साथ ही क्या हुआ, अकाउंट ऑफिस ने पेंशनर को पेंशन बुक दे दी। अब क्या होता था कि हर महीने के यकम को या 5 तारीख को हर बैंक ने अपनी अपनी कोई डेट रखी होती थी, कोई फर्स्ट को पेमेंट करता था, कोई सेकंड को, कोई फिफ्थ को, तो ये पेंशनर इधर जाता था बैंक के पास पेंशन बुक लेके। अब एक टर्म यूज़ की जाती है बॉथ हाफ्स, बॉथ हाफ्स। अब क्या था कि देखे, एक तो ये डॉक्यूमेंट चला गया बैंक के पास और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो हो गया ये पेंशन बुक।
अब जब बैंक के पास ये चीज़ पहुंचेगी, इसको कहते थे फर्स्ट हाफ या वन हाफ, बल्कि इसको कह लें वन हाफ। और ये जो जब पेंशन बुक लेके जाता था तो इसको हम कहते थे सेकंड हाफ। और ये दोनों मिलकर, इन दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था बोथ हाफ्स। अब क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास पहुंच गए और पेंशनर अपनी पेंशन बुक लेके पहुंच गया है, तो बैंक क्या करता था, पेंशन बुक के ऊपर तस्वीर लगी होती थी, देखकर पेंशनर को पेमेंट कर देता था। इसलिए ये टर्म यूज़ की जाती थी बोथ हाफ्स। अब अगर बैंक के पास ये चीज़ पहुंच जाए लेकिन पेंशनर पेंशन बुक लेके नहीं पहुंचेगा तो पेमेंट नहीं होगी। इसी तरह अगर पेंशनर पेंशन बुक लेके चला गया है लेकिन ये बैंक के पास पीपीओ नहीं पहुंचा तो फिर भी पेमेंट नहीं होगी। इसलिए जब तक ये दोनों बोथ हाउस इकट्ठे नहीं होते थे तो पेंशन की पेमेंट नहीं होती थी। तो इसलिए ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है बोथ हाउस। अब क्या होता था कि जब पेंशनर को ये बैंक पेमेंट कर देता था तो उसके ऊपर तारीख और जिस महीने की पेंशन है वो और अमाउंट लिख दी जाती थी। ठीक हो गया, इस प्रोसीजर का समझ आ गया कि भाई इसमें ज़रूरी है कि बैंक के पास अकाउंट ऑफिस की तरफ से ये ऑर्डर भी पहुंचे और साथ ही जब पेंशनर अपनी पेंशन बुक लेके जाए फिर पेमेंट होगी, अदरवाइज पेमेंट नहीं होगी। एक चीज़ भी कम है यानी बोथ हाफ्स में, ये एक चीज़ भी दोनों में से कम है तो पेमेंट नहीं हो सकती। अब इस सिस्टम में थोड़ा सा फ्लॉज थे कि पेंशनर को बड़ी लंबी लंबी, बूढ़े हो जाते हैं, बड़ी लंबी कतार लगती है, तो वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने के लिए ये सिस्टम बंद कर दिया, ये सिस्टम ख़त्म हो गया। इसकी बजाय गवर्नमेंट ने क्या किया, पेंशनर की सहूलत के लिए ये जो है डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम, जिसको DCS के नाम से जाना जाता है, ये इंट्रोड्यूस कराया। इसमें क्या हुआ, पेंशनर को पेंशन लेने के लिए जाना नहीं पड़ता बैंक में, पेंशन बुक ख़त्म हो गई। अब कोई भी महकमा जो है सरकारी महकमा वो पेंशन बुक इशू नहीं कर रहा, पेंशन बुक ख़त्म हो गई है। उसकी जगह एक पेपर चल रहा है, यही वाला पेंशन पेमेंट ऑर्डर। लेकिन ये जो है अब इसका मकसद वो नहीं रहा जो पहले था, अब सिर्फ ये पेंशनर की इंटीमेशन के लिए होता है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा रेस्टोरेशन, तो रेस्टोरेशन की डेट इसके ऊपर लिख दी जाती है, पेंशन की कैलकुलेशन, उसका नाम, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसकी पेंशन, एडहॉक इंक्रीजेस और डेट ऑफ रेस्टोरेशन। लेकिन अब ये पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इशू होता है लेकिन एक पेज है, पेंशन बुक ख़त्म हो गई है, वो टोटली बंद है। इसकी जगह ये एक पेपर अभी भी चल रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर लिखा भी होता है नॉट पेमेंट एडवाइस, इस तरह की वर्डिंग। और क्या है नए सिस्टम में, इसमें क्या होता है कि पेंशनर अपनी मर्ज़ी से बैंक में, किसी भी बैंक में, एक चीज़ और भी समझ लें, पहले सिर्फ नेशनल बैंक जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पेमेंट करता था, अब गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, अब पेंशनर अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैंक सेलेक्ट करे जो उसके घर के करीब है, वहाँ भी अपना पेंशन अकाउंट खुलाए। और अकाउंट ऑफिस क्या करेगा, अकाउंट ऑफिस वो इसके अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र कर देगा। अब क्या है, पेंशन जो है पेंशनर के अकाउंट में चली जाएगी, पेंशनर अपनी मर्ज़ी से जब चाहे, अपनी मर्ज़ी से जितनी अमाउंट चाहे वो निकलवा सकता है। इस मेथड में एक ये थी खामी कि पेंशनर जो है वो सारी की सारी पेंशन निकलवाता था, मसलन उसकी पेंशन है 50,000 रुपये, पेंशन बुक के ऊपर लिखी है, तो वो पूरी की पूरी ड्रॉ करता था। ये नहीं था कि अभी 20,000 ड्रॉ कर ले, 30,000 कर ले। लेकिन जो डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम है इसमें एक तो सहूलत ये हुई कि लाइन में नहीं लगना पड़ता, पेंशनर के अकाउंट में पेंशन चली जाएगी, और दूसरी ये है कि अब वो उसके अकाउंट में चली गई है तो अब उसकी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी निकलवाए, महीने बाद निकलवाए, 2 महीने बाद निकलवाए, 3 महीने बाद निकलवाए, ये कोई नहीं है। अब इसके अंदर पेंशन बुक भी ख़त्म हो गई है, लाइन में नहीं लगना पड़ता, अपनी मर्ज़ी से जो भी उसके घर के करीब ब्रांच है, कोई भी है, नेशनल बैंक है, MCB है, बैंक अल्फला है, अलाइड है, UBL है, व्हाट्सएवर, तो वो उसमें अपना अकाउंट खुलाए, अकाउंट ऑफिस हर महीने उसकी पेंशन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा
और जो है ना वो उसकी जो है ना बॉदरिंग थी लाइन लगने वाली वो ख़त्म हो गई। ठीक है, आई होप आपको इसका नाम ही ये देख लें, डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम, यानी पेंशन डायरेक्टली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और एट हिज ओन कन्वीनियंस वो जब चाहे जितनी चाहे वो निकलवा सकता है। उम्मीद है आपको दोनों जो है मेथड समझ आ गए होंगे। आजकल ये सिस्टम चल रहा है, ये जो पुराना सिस्टम है पेंशन वाला वो ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ आ गए। थैंक यू वेरी मच।